गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने जो है टॉपिक था हमारा मेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग रूल्स, इससे पहले का चैप्टर कवर कर लिया था। इस वीडियो में यहाँ से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का जो रीडिंग पार्ट है उसे फिनिश करेंगे। तो मेकिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग रूल्स, तो स्ट्रॉन्ग रूल्स बनाने की शुरुआत में जो बाटे हैं, जो पत्थर हैं, उनके टूल्स यानी कि हथियार बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई? जो सबसे पुराने टूल्स होते थे वो तो नॉर्मल एक भाटे रहते थे जो कि छोटे जानवर को मारने में मदद करते थे, जिससे बड़े जानवर नहीं मारे जा सकते। लेटर मैन ऑब्जर्व दैट इफ द स्टोन हैड शार्प एज इट कुड कॉज हार्म टू द एनिमल दैट वाज इट। यानी फिर बाद में इन लोगों ने, जो पुराने लोग थे हमारे एंसेस्टर्स, उन्होंने ऑब्जर्व करा कि अगर जो पत्थर है, ऑब्जर्व करा कि जो पत्थर है इसे नॉर्मली फेंकते हैं तो छोटे जानवर मरते थे, लेकिन अगर इसे हमने थोड़ा शार्प कर दिया, थोड़ा तीखा कर दिया तो इससे फेंकेंगे तो ज़्यादा गहरा घाव होगा, जिससे हम बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। स्लोली ही स्टार्टेड शार्पर टूल्स बाय हिटिंग स्टोन अगेंस्ट स्टोन। और फिर धीरे धीरे करके उन्होंने शार्पर टूल्स यानी कि जो शार्पर पत्थर यानी कि जो तीखे पत्थर बनाने शुरू कर दिए, एक स्टोन को दूसरे खिलाफ मार मार कर उसे तेज तीखा बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टोन टूल्स आर समटाइम्स फाउंड लाइंग ऑन द सरफेस और अमेंडमेंट ऑन रिवर डिपॉजिट्स। यानी कि इस प्रकार के स्टोन टूल्स, इस प्रकार के जो पत्थर के हथियार थे वो कई बार कुछ जमीन पर पड़े मिलते हैं, और कई बार जैसे कि इंसान, पुराने इंसान नदी के आसपास रहते थे क्योंकि उन्हें पानी की उपलब्धता जो है वहाँ हो जाती थी, इसलिए वो पानी यानी कि रिवर के आसपास भी मिलते थे। दीज प्लेसेस आर ऑल्सो कॉल्ड हैबिटेशन साइट्स, और ऐसी जगहों को हैबिटेशन साइट्स भी कहते हैं। तो हम कोर टूल के बारे में पढ़ेंगे। कोर टूल वाज मेड बाय चिपिंग ऑफ पीसेस फ्रॉम चंक्स ऑफ द रॉक टू हैंड साइज्ड पेबल्स। यानी कि जो कोर टूल्स होते हैं, ये जो छोटे छोटे पत्थर रहते थे चिप, इन्हें एक बड़ी रॉक के खिलाफ घिस घिस के उस रॉक को थोड़ा शार्प बनाया जाता था। ठीक है, द स्टोन आफ्टर चिपिंग वाज कॉल्ड कोर। और जो स्टोन बचता था चिपिंग यानी कि उसे साफ करने के बाद पत्थर, उसे कोर कहा जाता था। ठीक है, दूसरा है फ्लिक टूल्स। तो फ्लेक में जैसे कि पहले भी बताया आपको लास्ट वीडियो में कि जो बिल्कुल पतले और चपटे पत्थर रहते थे तीखे बहुत, उन्हें फ्लेक टूल्स कहा जाता है। फ्लेक टूल्स वर मेड फ्रॉम द शार्प पीसेस दैट ब्रोक ऑफ वाइल शेपिंग टूल्स। यानी कि जो फ्लेक टूल्स होते थे वो किसी भी शार्प चीज को जब तीखा करते थे तो बहुत तीखे तीखे जो और पत्थर है वो गिर जाते थे, मतलब शार्प करते टाइम, तो वो फ्लेक टूल्स के लगते थे। दीज वर यूज्ड फॉर चॉपिंग मीट एंड स्किनिंग ऑफ द एनिमल्स। और ये जो तीखे तीखे पत्थर, जो छोटे छोटे पत्थर गिर जाते थे, इन्हें या तो चॉपिंग यानी कि मीट के छोटे छोटे टुकड़े करने में इस्तेमाल किया जाता था, या एनिमल की स्किनिंग, जो एनिमल होती थी उसकी स्किन, उसकी चमड़ी बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। पैलियोलिथिक आर्ट, द पेंटिंग्स एंड इंग्रेविंग स्टोन एंड रॉक शेल्टर्स यूज्ड बाय पैलियोलिथिक एंड मेसोलिथिक पीपल गेव अस कंसीडरेबल आइडिया अबाउट देयर सोशल लाइफ एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यानी कि जो हमें बहुत सारी केव्स, गुफाओं के और पत्थरों पर पेंटिंग्स मिलती है पुराने लोगों की, जो पैलियोलिथिक और मेसोलिथिक लोग थे, उससे हमें आइडिया लगता है कि उनकी सोशल और इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, यानी कि उनका जो सामाजिक और आर्थिक जीवन किस प्रकार का था। ठीक है, साइट्स लाइक भीमबेटका, आदमगढ़, प्रतापगढ़ एंड मिर्जापुर आर रिच इन मेसोलिथिक आर्ट पेंटिंग्स एंड दे रिफ्लेक्ट हंटिंग। यानी कि ये कुछ साइट्स बताई, कुछ ऐसी टिप्स बताई गई है यहाँ पर, जहाँ पर इस प्रकार की जो है पेंटिंग्स और ड्राइंग्स इन पुराने लोगों की देखी जा सकती है। टिप्स में पहली भीमबेटका मध्य प्रदेश में, जो मैंने आपको पहले ही बताया था पिछले वीडियो में, आदमगढ़, प्रतापगढ़ और मिर्जापुर, ये कुछ चार पांच साइट्स दे रहे थे। ठीक है, अब डिस्कवरी ऑफ फायर के बारे में बात करें, यानी कि आग की खोज किस प्रकार करी थी इन लोगों ने। द रिमेन्स ऑफ ऐश एट सम पैलियोलिथिक साइट्स लेड टू कंक्लूजन दैट फायर इज नोन टू द पैलियोलिथिक मैन। यानी कि कुछ पुरानी साइट जो हैबिटेशन साइट, यानी कि जहाँ पर पहले लोग रहा करते थे, वहाँ पर जब खुदाई करी, जब देखा गया तो वहाँ पर राख के, मतलब जो राख यानी कि ऐश के थे, उसके अवशेष मिले। तो इससे ये पता चलता है हमें कि जो पुराने लोग, जो पैलियोलिथिक लोग हैं, उन्हें आग की खोज तो हो गई थी उस समय। ठीक है, प्रोबेबली द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज एक्सीडेंटल। Possibly man first saw fire while lightning struck trees, while he might have discovered it while rubbing two pieces of stone or wood together. यानी कि जो fire है वो mainly दो तरीकों से बनी होगी, या तो किसी एक सूखे पेड़ पर जब lightning यानी कि बिजली गिरती तो वो
जल रहा होगा तो वहां से इंसानों ने फायर का इस्तेमाल करा, या फिर दूसरी है कि जब इसे टूल्स बनाने के लिए जब पत्थरों को एक दूसरे के खिलाफ रगड़ रहे थे तब चिंगारी निकली और उससे आग बनी। ठीक है, ग्रेजुअली मैन लर्न्ड वेरियस यूजेस ऑफ फायर, और फिर धीरे धीरे उसने जो फायर है यानी कि आग है उसके बहुत सारे यूजेस देखे हैं, मतलब समझे। ठीक है, उनमें से कुछ यूजेस दे रखे हैं हमें चार। फायर टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, यानी कि जो आग जो फायर रहती थी वो सिर्फ वाइल्ड एनिमल यानी कि जंगली जानवर से बचा सकते थे। इट कुड कीप हिज वॉर्म बाय प्रोवाइडिंग हीट एंड लाइट, और वो इंसान को वार्म यानी कि गर्म रख सकती थी ठंड के मौसम में उसे हीट और लाइट देकर। इट कुड हेल्प हिम टू कुक फूड एंड रोस्ट मीट, यानी कि जो आग है उसमें वो खाना पका भी सकते थे और जो मीट यानी कि जो मांस वो पकड़ते थे उसे खा भी सकते थे पक पकड़। इट कुड हेल्प हिम टू लाइट अप इन द डार्कनेस, और जो बहुत अंधेरी गुफा रहती थी वहां पर भी उजाले के लिए वो इस्तेमाल कर सकती थी, अंदर कोई जानवर तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीसोलिथिक एज। अराउंड 9000 BCE बिगेन एन इंटरमीडिएट स्टेज व्हिच इज नोन एज मीसोलिथिक एज, यानी कि लगभग 9000 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा 9000 में एक ऐसा एरा बना जो कि बहुत इंटरमीडिएट है दोनों के बीच में, जिसे मीसोलिथिक एज भी माना जाता है। ठीक है, दिस एज वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय यूज ऑफ माइक्रोलिथ्स एंड स्मॉल स्टोन्स, और इस एज को मीसोलिथिक एज इसलिए भी कहते हैं कि इस समय जो है पहले तो बहुत बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था इंसान, लेकिन इस समय तक आते आते उसने पत्थरों को छोटा करना और उन्हें शार्प बनाना सीख लिया था, इसलिए वो अब छोटे और तीखे पत्थरों का इस्तेमाल करता था। दीज टूल्स वर शार्प एंड पॉइंटेड कंप्राइज्ड ऑफ ब्लेड्स, और ये जो टूल्स होते थे बहुत ही शार्प यानी कि तीखे होते थे, पॉइंटेड भी होते थे यानी कि उनमें पॉइंट रहती थी निप, एंड कंप्राइज्ड ऑफ ब्लेड्स, और ये ब्लेड भी कंप्राइज करते थे। स्क्रेपर्स एरोहेड्स एंड स्पीयरहेड्स व्हिच वर टाइड टू द पीसेस ऑफ द बोन ऑफ वुड, यानी कि इससे वो या तो भाले और तीर भी बना सकते थे, यानी कि जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ रहती थी जानवरों की उसकी टिप पर ये पतले पतले टीके थे पत्थर लगा देते थे, जिससे बड़ी हड्डियाँ तो भाला बन जाती थी और छोटी हड्डियाँ एक तीर का काम करती थी। ठीक है, सच टूल्स हैव बीन रिकवर्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ साइट्स इन राजस्थान, सदर उत्तर प्रदेश, छोटा नागपुर, झारखंड, यानी कि इस प्रकार के जो टूल्स है वो बहुत सारे साइट पर मिले, जैसे कि राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और छोटा नागपुर प्लेटू जो झारखंड में है। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का उसे पढ़ेंगे हम, नहीं यानी लास्ट टॉपिक नहीं, तीन लाइन और इस टॉपिक। मीसोलिथिक ह्यूमन बींग्स लिव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फूड गैदरिंग, जो मीसोलिथिक ह्यूमन बींग्स थे वो ज़्यादातर हंटिंग यानी कि शिकार करते थे, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ते थे, फूड गैदरिंग यानी कि जो खाना एकत्रित करते थे। At later stage they started domesticating animal like dog, sheep, goat, cattle. यानी कि जब मीसोलिथिक एज खत्म होने आई और नियोलिथिक एज शुरू होने आई, मतलब मीसोलिथिक एज के लगभग एंड में उन्होंने जो जानवर है उन्हें पालना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, जैसे कि डॉग है, शीप, गोट, ऐसे एनिमल्स को उन्होंने पालना शुरू कर दिया। दिस मार्क द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सिस्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, और इसी ने जो है एक चेंज की शुरुआत करी एनिमल हस्बेंड्री में। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक है नियोलिथिक एज वो पढ़ेंगे हम इस चैप्टर का। नियोलिथिक और द न्यू स्ट्रेन एज इज द नेम गिवन टू द फेज व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ, और जो नियोलिथिक और न्यू स्टोन एज है वो इसलिए नाम दिया गया है ताकि इस समय तक इंसान जो है एक सेटल्ड लाइफ जीने लग गया था, वो एक जगह रुक जाता था, वहां पर वो क्रॉप्स उगाता था और उसे खाता था, लेकिन पहले के समय में क्या वो एक जगह से दूसरी जगह जाता था, पानी खत्म हो जाता था तो शिकार करने के लिए एक जगह दूसरे जगह जाता था, क्योंकि शिकार खत्म हो जाते थे जहाँ पर पहले रहा करता था। ठीक है, दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल, यानी कि उन्होंने खुद का खाना प्रोड्यूस करना शुरू करा, यानी कि क्रॉप्स उगाने लगे एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल यानी कि जानवरों को पालना शुरू करा। द टूल्स बिकेम मोर सोफिस्टिकेटेड, वो जो टूल्स है और सोफिस्टिकेटेड हो गए, यानी कि बहुत सारे टूल्स और आ गए। We will read more about this in the period of the next chapter, यानी कि इसके बारे में हम अगले चैप्टर में और पढ़ेंगे। तो बस यहीं पर आपका ये चैप्टर पूरा खत्म होता है, जो नेक्स्ट वीडियो लगेगा आपका मंडे को उसमें हम इसकी जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। और आपका होमवर्क ये है कि जितना भी मैंने ब्लू से मार्क करा है ये सब, जितना मैंने ब्लू से मार्क करा है सब मार्क करके आप भेजें ग्रुप में PDF के थ्रू। थैंक यू।